मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा अभिभाषण हुआ है। पिछले वर्ष में हम लोगों ने जो काम राज्य में किया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हों, सोशल सेक्टर में हो, इरीगेशन, रोड्स, रूरल रोड्स, अर्बन रोड्स, सारे मामलों में इंटर कनेक्टिविटी, सारी काफ़ी उल्लेखनीय कार्य पिछले वर्षों हुए हैं। तो मान के चलता हूँ कि जब काम ज़्यादा होते हैं, राज्यपाल जी का भी कुछ लोग कह रहे थे कि लंबा हो गया अभिभाषण, मैंने कहा काम जो लंबा होगा अभिभाषण भी लंबा होगा, तो अच्छा अभिभाषण लग रहा है। आपके विभाग की भी कई योजनाओं की यहाँ पर प्रशंसा की गई है। हाँ, निश्चित रूप से मुझे कहते हुए खुशी है कि 3 साल में हम 15 लाख ग्रामीण आवास बनाएंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा हम सड़कें भी 65,000 किलोमीटर हमारी बन चुकी हैं और लगभग 5,000 किलोमीटर लंबी सड़कें हम और बना रहे हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के। मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो भी सड़कें हमारी ग्रेवल रोड हैं उनके लिए भी हम पक्की कर रहे हैं 10,000 किलोमीटर लंबी सड़कें। कुल मिला के आवास से लेके पहुँच मार्गों तक और सारे सेवा क्षेत्रों तक बहुत अच्छा इस बजट भाषण में सभी का प्रदर्शन हुआ है और ये अद्वितीय है। चलिए, प्रशंसा सभी को अच्छी लगती है और सरकार भी अपनी प्रशंसा से काफ़ी यहाँ पर प्रसन्न नजर आ रही है। निश्चित तौर पर गोपाल भार्गव जी का ये कहना है कि सरकार ने काफ़ी काम किए हैं जिसका अभिभाषण में जिक्र किया गया है। कैमरामैन अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।